أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. In today's lecture number 8 in our complete series Research Methods Complete Course, I myself Abid Hussain. I'll shed lights on sources of background information for your research. अब सोर्सेस क्या है जो आप अपने रिसर्च में कोट करना चाहेंगे? सोर्स वैसे एक्चुअली दो किस्म के, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्सेस। दो के बहुत सारे लेक्चर इस पे अवेलेबल हैं, लोगों ने अपलोड भी किए, बहुत सारी किताबों में भी ये चीज़ें हैं। लेकिन आपके जो बिगिनर रिसर्चर्स होते तो उसको ये प्रॉब्लम्स होती है कि प्राइमरी सोर्सेज रिसर्च के लिए क्या होती है और सेकेंडरी सोर्सेज रिसर्च के लिए क्या होती है। तो इस लेक्चर में मैं आपको क्लियर करता चाहूँ कि मैंने कुछ आसान अंदाज में एक टेबल बनाया हूँ और इसी टेबल को मैंने मतलब फिर बाइफरकेट किया हुआ है। एक में प्राइमरी सोर्सेज डाल दिए और दूसरे में सेकेंडरी सोर्सेज डाल दिए। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की लेक्चर पसंद आ जाएगी और इसी लेक्चर से आप मुस्तफ़ीद भी हो जाएंगे, अपने प्यारों के साथ शेयर भी करेंगे। सोर्सेज ऑफ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्सेज में जो पहला एलिमेंट है वो रेलिवेंट पीपल है। मिसाल के तौर पर आप किसी टॉपिक पे सोशल रिसर्च करना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में आपका काम अपने रेलिवेंट पीपल से डेटा लेना है। वो आपके एक्सपर्ट भी हो सकते हैं, वो एनी गवाह भी हो सकते हैं, उसने उस फील्ड में इनिशिएटिव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया होता है। वो आपके रेलिवेंट पीपल प्राइमरी सोर्स है जिससे आप फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। रिसर्चर ऑब्जर्वेशन मतलब एक रिसर्चर किसी टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं तो उसकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन उस टॉपिक के बारे में क्या होती है। तो जो ऑलरेडी लोगों ने रिसर्च किया हो आप उसकी ऑब्जर्वेशन भी कोट कर सकते हैं। रिसर्चर एक्सपीरियंस, आपने अपने जो रिसर्चर होते हैं आपके फील्ड में आपके डिसिप्लिन में उसके एक्सपीरियंस को बरवे कार ला सकते हैं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स या टेक्स्ट, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से मुराद ये, अगर आप एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को डिग आउट करना चाहते हैं, एक मसले के जड़ तक पहुंचना होता है तो आप हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को डिग आउट करने के लिए जो फर्स्ट हैंड नॉलेज होते हैं, जिसने मैनुस्क्रिप्ट अपने हाथ से लिखे हुए या वो टेक्स्ट जो उन्होंने खुद कतबा किए किसी पर्सनालिटी पे, वो रिसर्च करना चाहते। कंपनी ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड्स, अगर आप किसी कंपनी में केस स्टडी करना चाहते हैं तो आप उस कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड्स को फाइलों की सूरत में या जो टेक्स्ट में रिकॉर्ड उस कंपनी के बारे में, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हो, तो आप उसकी पर्सनल फाइलों को डिग आउट करके उस तहकीक के जोड़ तक पहुँच सकते हैं। पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, डायरीज, अगर आप किसी पर्सनालिटी को रिसर्च में लाना चाहते हो, सोशल रिसर्च करना चाहते हो, तो आप पर्सन की जो डायरीज होती है उसी को आप डिग आउट कर सकते हैं, इसी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। स्टेटिस्टिकल डेटा, मिसाल के तौर पर हम आजकल इकोनॉमी पे कोई रिसर्च करना चाहते हैं तो स्टेटिस्टिकल डेटा, जाहिर ही बात है आप तो एक्सपर्ट नहीं है, तो एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जिसने एजुकेशनल का स्टेटिस्टिक बनाया हो या आपकी इकोनॉमी का, फाइनेंस का स्टेटिस्टिक बनाया हो, तो आप स्टेटिस्टिकल डेटा को डिग आउट कर सकते हैं। वर्क्स ऑफ लिटरेचर, किसी ने इस पर लिटरेचर पब्लिश किया हुआ। वर्क्स ऑफ आर्ट, किसी ने इस पर आर्ट किया हुआ। फिल्म वीडियो से भी आप डेटा ले सकते हैं। लेबॉरेटरी एक्सपेरिमेंट्स, मिसाल के तौर पर आप हाइड्रोजन बम बनाना चाहते हैं या आप फार्मूला बनाना चाहते हैं किसी मेडिसिन का, तो आपने लेबॉरेटरी एक्सपेरिमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए उन सोर्सेस को क्या कहते हैं, इन तमाम को प्राइमरी सोर्स। अब हम आ जाते हैं सेकेंडरी सोर्सेज। सेकेंडरी सोर्सेज में जो ना पहला काम है, आपने बुक्स को एक्सप्लोर करना है, जो आपकी मतलब टॉपिक है इसी पे किसी ने बुक्स लिखी हुई। रिसर्च रिपोर्ट को आपने डिग आउट करना है। रिसर्च रिपोर्ट्स ये है कि आप किसी भी इशू पे काम कर रहे हैं, ऑलरेडी इस पे रिपोर्ट आई हुई होती है। जर्नल आर्टिकल्स को, एक जगह पे तो ये भी लिखा है कि जो जर्नल आर्टिकल्स होते हैं ये भी प्राइमरी सोर्स में आते हैं, लेकिन ये कि अमूमी तौर पे जर्नल भी दो किस्म के होते हैं, एक है प्रीडेटरी जर्नल, एक है जो ना
पीर रिव्यू जर्नल, जो प्रीडेटरी जर्नल होते हैं वो जाली किस्म के जर्नल होते हैं, जिसकी कोई जो ना पब्लिशर का पता नहीं होता, कौन करा रहा है, चंद पैसों के एवज जो ना वो जर्नल्स पब्लिश कर रहे हैं, लेकिन उसकी प्रोसेस रिव्यूइंग इंडेक्सिंग वगैरह वो नहीं होती। फिर आर्टिकल्स रिपोर्टिस्ट ऑनलाइन, किसी ने उस पर आर्टिकल्स लिखे हुए हो और ऑनलाइन पढ़ी हुई, आप इसको सेकेंडरी सोर्स के जुमरे में शामिल कर सकते हैं। साइंटिफिक डिबेट्स, कहीं पे टॉक शोज या ऐसी डिबेट्स भी आप उसको कोट कर सकते हैं और उसकी तारीफ वगैरह लिख सकते हैं। क्रिटिक ऑफ लिटरेरी वर्क्स, जो लिटरेरी वर्क्स किसी ने प्रोड्यूस किया हुआ इसकी क्रिटिक्स को आप मद्देनजर रखते हुए अपने रिसर्च में कोट कर सकते हैं। क्रिटिक ऑफ आर्ट्स, किसी ने आर्ट्स बनाई हुई उसको भी आप सेकेंडरी सोर्स के जरिए में ला सकते हैं। एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स जो है इसको एनालिसिस करके आप इससे सेकेंडरी सोर्स कोट कर सकते हैं। तो ये कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन थी आपकी रिसर्च में बरोएकार लाने के लिए। अगर आप इनमें से फर्क नहीं कर सकेंगे तो आपकी रिसर्च या एथिकेशन पे सवाल उठ सकता है। तो ये चंद गाइडिंग रूल्स थे जो कि बिगिनर्स के लिए भी बनाए गए और एक्सपर्ट लेवल के लोगों के लिए भी बनाए गए। मुझे आपसे उम्मीद है कि आप इसको लाइक भी करेंगे, वॉच भी करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।